तुम्हारे पास हकीकत में ऐसी लाइफ देने के लिए गुरुदेव, ऐसी लाइफ देने के लिए मेरे दोस्त बहुत कम टाइम है, दोनों एलईडी मुझे नजर आ रही हैं। कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ होनी चाहिए? चाहते हो ना? चाहते हो ना दोस्त? मैं थोड़ा सा मेरे बारे में शेयर करूंगा, उससे पहले तो आप सभी लोगों को आज 9th एनिवर्सरी के लिए सबको, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जो नहीं है, जो सुन रहे हैं, उस सभी को बहुत बहुत बधाई हम सब लोगों को। और बिल्कुल मैं अपने आप में ये बोल सकता हूँ, आज से 8 साल की लाइफ हुई है मेरी, 8 साल जर्नी हुई मेरी WPL में मेरे दोस्त। उससे पहले की लाइफ काफ़ी बार मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं अभी भी बैठा बैठा सोच रहा था कि कभी कभी ट्रेन का किराया नहीं होता था। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम में एक बार फ्लाइट से जाने का मौका मिला था, मैं 5 घंटे पहले जाके बैठ गया था। और अभी सोचते हैं कि एक दिन में दो फ्लाइट, मतलब अभी दो फ्लाइट। मेरे दोस्त ऐसी ऐसी लाइफ से निकल के हम यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल नहीं सोचा था। 8 साल पहले जब मैंने AWPL की शुरुआत की, उस समय बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी मेरी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी। और जब हमने शुरुआत की तो मेरे दोस्त इतना कोई बहुत बड़ा सोच नहीं थी, इतने कोई सपने नहीं थे, और ना ही ऐसा सोचा था कि ऐसी लाइफ हो जाएगी, इस मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही छोटी सी सोच के साथ शुरुआत की थी मेरे दोस्त, लेकिन नहीं पता था कि आज हम सब इस मुकाम तक पहुंचेंगे। मैं बोल सकता हूं आज इस लेवल पे मैं हूं यहाँ पे। आज सारी चीज़ें ऊपर वाले ने, मालिक ने, और स्पेशली मैं बोलूँ मेरे दोस्त, आज सारी चीज़ें हमारे पास दी हैं। तो इसके पीछे दो ही चीज़ों का राज है, उन दो चीज़ों का क्रेडिट है, उन्हीं का सबसे पीछे जो भी कुछ है मेरे दोस्त। सबसे पहले AWPL जो आज इतना दमदार प्लेटफॉर्म हमारे पास है, उसके बाद मेरे मेंटर्स, मैं बोल सकता हूँ मेरे गुरु मिस्टर महिपाल सर और शिव कुमार सर। मेरे दोस्त आज मेरी लाइफ में ये दो जो चीज़ें हैं ना, जिसकी वजह से आज, अभी अमित दुबे सर बोल रहे थे कि शायद 16वां लेवल का कौन कितने का चेक है, 2,85,00,000 का, सही है ना? सही है ना? बहुत जल्दी ले लेंगे, अभी टाइम नहीं बताएंगे, बहुत जल्दी ले लेंगे। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मेरी जिंदगी में ये दो चीज नहीं होती, AWPL और मेरे अपलाइन, तो ये बंदा कहीं भी नहीं होता, जहां था वहीं का ये होता। और मैं इसके लिए आज कोई स्पीच का मौका नहीं है, ये जिंदगी देने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं आज हमारे COMD संजीव सर, जिन्होंने इतना अच्छा सोच के साथ इतना अच्छा दमदार हमें प्लेटफॉर्म बना के दिया, और प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं, इन्होंने हमें अच्छे सपने भी दिखाए, हमारी सोच भी बढ़ाई, और मेरे दोस्त वो पूरे भी करवाए, इतना दमदार प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैं इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मामचंद सर का भी, और स्पेशली रॉयल वेकेशन इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, और मेरे अपलाइन। बस आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर ऐसी लाइफ अगर आप चाहते हो, मैं ज़्यादा देर बाद नहीं, अगर ऐसी लाइफ चाहते हो मेरे दोस्त, भरोसा कर लेना, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने दो चीज़ें की हैं, मैंने एक तो विश्वास किया है, विश्वास के साथ मैंने काम किया है, दूसरा मैं कभी भी मेरी लाइफ में मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे जो गुरु ने बोला, मेरे जो अपलाइन ने बोला, बस मैंने वो किया। ये मायना नहीं रखता हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे बोलते हैं, कितने अच्छे ट्रेनर हैं, कितना अच्छा एजुकेशन हमारे पास है मेरे दोस्त, वो हर आदमी चलेगा, लेकिन कभी भी अपने गुरु की बात को मोड़ना नहीं। मैंने हमेशा अपने गुरु की बात को कभी भी नहीं काटा, जो बोला मैंने वही किया, ना मैंने कभी दिमाग लगाया। और जो आदमी दिमाग लगाता है, कुछ लोग आकर के दिमाग लगाने की गलती करते हैं मेरे दोस्त, वो बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। मैं एक छोटी सी आपको एक मिनट की स्टोरी है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, स्पेशली क्या होता है कि जो दिमाग लगाने वाले हैं उनके साथ क्या होता है, एक बार 3 लोगों को फांसी की सजा होगी किसी क्राइम में, कोई गलती की वजह से उनको सजा होगी कि भाई तुमको 3 को फांसी होनी है। तो फांसी का जो टाइम था वो मुकर्रर था, और उसी टाइम वो फांसी देनी होती है। तो जैसे ही वो जल्लाद वगैरह होते हैं, उनको बताया गया कि भाई इनको 3 को फांसी तोड़ा जाए, तो वो जैसे जैसे उनका टाइम था वैसे उनको बुलाया गया। पहले एक आदमी आया, तो ऊपर से वो जो आरा होता है ना कटने वाला, जो वो चल के आ रहा था, और जैसे जैसे वो नजदीक खचक खचक करके वो नजदीक आ रहा था, तो आकर के उस बंदे की गर्दन के पास में रुक गया,
गर्दन नहीं कटी, वो बंदा बच गया, और मुकर्रर टाइम के हिसाब से वो बच गया, फिर दोबारा नहीं दे सकते। ऐसे ही दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो जैसे ही आ रहा, जो चल के आ रहा था, वो आहिस्ता आते आते वो फिर गर्दन के पास रुका, तो मेरे दोस्त वो भी बच गया। लेकिन जैसे ही तीसरा आया, तीसरे को लिटाया गया और वो जैसे ही आ रहा शुरू हुआ, तो वो पता क्या बोला जल्लाद को, बोलो सुन मेरी बात। बोल क्या? बोलो दोनों बचे ना, ये तेरी मशीन क्यों रोक रही, तेरे को पता है? बोलो नहीं। बोले ये नट लगा हुआ, इसको हटा। क्या हटवा दिया? वो नट जो था, बोले इसको हटा दे। और वो जैसे ही हटाया और वो आ रहा उसकी किस पे पड़ा के, गर्दन पे। तो दिमाग किसने लगाया? जिसने लगाया उसने गर्दन कटवाई। मेरे दोस्त भरोसा करना, आज इस भरोसे के साथ काम किया है। कभी भी मेरे दोस्त, मैं आपको हकीकत बताता हूं, विश्वास के साथ ईमानदारी के साथ काम करते रहना। सोचने की जरूरत नहीं है, सपने दिखाने वाले भी, सपने पूरे करवाने वाले भी, सब कुछ हमारे साथ है। कुछ समय पहले हमने शुरुआत की थी, मेरे दोस्त किसी ने आज शुरुआत की है, विश्वास के साथ काम करिए। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। और रही बात काम की, मेरे दोस्त जैसे जैसे टाइम, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा ना, वैसे वैसे इतना बड़ा विश्वास होता है, मैं बोल नहीं सकता। और मैं ये वादा करता हूं कि AWPL के अंदर जान लगा देंगे जिस आदमी ने हमारे साथ विश्वास करके काम किया। मेरे दोस्त पूरी ताकत के साथ उस आदमी की सपोर्ट करेंगे, उसके सपनों के लिए पूरी ताकत से हम, मैं बोल सकता हूं। और आप लोगों को अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मैं तमाम मेरे जितने भी आदर्श हैं उनको नमन करता हूं, और जितने भी सीनियर लीडर हैं, जो भी हमारे डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन जो भी हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अगेन बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।